नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। दोस्तों, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जो लदहो पंचायत का एक वीडियो है। मुखिया पति दिलीप चौधरी के ऊपर जो बिजली विभाग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया जी जो है कि बिजली चोरी करते हैं, क्या पूरा कुछ मामला है? मुखिया जी हमारे साथ है, इनसे पूरा बात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम सर, आपको आरके मीडिया में स्वागत है। आपको धन्यवाद सर। आपके ऊपर बिजली विभाग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप बिजली चोरी करते, इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठा बात है? देखिए, हमारी पत्नी दो पंचवर्षीय से मुखिया है इस पंचायत की। यहाँ किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग बराबर बिजली ऑफिस पर जाते हैं और उनको समस्या कहते हैं निदान करने के लिए, और बिजली ऑफिस में बिचौलिया भरा हुआ है जी। एक किसान अगर आज मीटर के लिए जाएगा तो उसको मीटर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो मीटर बेचता है वो जाए तो 2000-4000 में मीटर लेके आ जाता है। इस सब का जो है सो हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं कि भाई किसान को मदद मिले। उस दिन भी संयोग से हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ, अब कोई मान लीजिए जैसे चलता हो ये तो नहीं जानते हैं, हम लोग को फ़ोन किया गया तो हम लोग संपर्क किए ऑफिस से, उसमें कुछ कहा सुनी हुआ। वो राजनीति के तहत जो है वही बिचौलिया लोग को बचाने के लिए विभाग द्वारा हम लोग पर इस तरह का किया गया है जी। आप पता कर सकते हैं जाके। ना हम खेती करते हैं, ना हमारा खेत है, खेती करते हैं खेत हमारा नहीं है। जहाँ भी वो स्पॉट दिखाए हैं कल संयोग से उसका वेरिफिकेशन भी हुआ है, ना मेरा खेत पट रहा है, ना मेरा बोर्डिंग है, ना मेरा मोटर, फिर भी मेरा नाम दिया गया जी। कहीं ना कहीं आपकी जो समाज में छवि जो अच्छा बन रहा है, दो पंचवर्षीय आपने चुनाव में जीते भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह से साजिश रचा जा हो? देखिए, किसी के छवि धूमिल करने से मेरा छवि धूमिल होगा? नहीं तो गलत आरोप अगर हम कह दें आप चोर है तो चोर हो जाइएगा। नहीं, तो उनके कहने से क्या होता है, आम जनता सब कुछ जानता है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी जी। और यहाँ पे एक समाज सेवी महावीर मुखिया जी है, इनसे भी बात करते हैं कि सर आपके पंचायत में इस तरह की मुखिया जी है और मुखिया पति के ऊपर आरोप लगाया गया कि बिजली चोरी यानी कि करते हैं, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात है आप पूरा पंचायत घूम लीजिए, आप पूरा पंचायत ने 26 पंचायत घूम लीजिए और हमारे पंचायत के मुखिया पति श्री दिलीप चौधरी जी का क्या छवि है वो यहाँ के जनता यहाँ के प्रतिनिधि बताएंगे। बिजली विभाग बिचौलिया से ग्रसित है, बिचौलिया उन पर हावी हुआ है। बिचौलिया यानी कि मीटर लेने के लिए जाइए तो पैसा लेगा, कोई भी काम यानी कि बिजली विभाग का स्टाफ कुछ नहीं करता है, वहाँ जो बिचौलिया है वो करता है। इसी शिकायत को लेकर, इसी चूंकि हमारे मुखिया जी के यहाँ के जनता जो है मुखिया जी के पास अनेक प्रकार की समस्या लेकर आते हैं, बिजली विभाग के लेकर आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लेकर आते हैं, शिक्षा विभाग के लेकर आते हैं, सभी समस्या हमारे मुखिया जी वहाँ ऑफिस तक पहुँचाती है। इसीलिए जो उन पर जो उनको बताया गया कि हमारे पंचायत में कुछ समस्या है, मीटर लेकर है या कुछ और लेकर है, तो इन्हीं सब को उनको अच्छा नहीं लगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो साजिश के तहत हम कहेंगे बिजली विभाग के बिचौलिया ने मुखिया जी को इसमें फंसाया गया ताकि इनकी प्रतिष्ठा पर हनन पड़े, मतलब इनकी छवि वो कमी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस भली भांति यहाँ के जनता अच्छे तरीके से भली वाली आप सोच सकते हैं कि पूरा न्यूज में निकला हुआ था कि 80% जो है सेकंड बार मुखिया नहीं बन रहे हैं जी। न्यूज पूरा चल रहा था सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब पे, लेकिन जो भी बन रहा है क्यों, छवि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन इनका छवि अगर कोई बिगाड़ने का काम करेंगे तो उनसे बिगड़ने वाला नहीं है। बिजली विभाग की बहुत कमी है, उनकी लापरवाही है, बिचौलिया से ग्रसित है, बिचौलिया ने ये सब काम कर रहे हैं। और जैसा कि महावीर मुखिया जी ने बताया, साथ में मुखिया जी ने भी बताया कि इस तरह से हमारे ऊपर इस तरह के झूठा आरोप लगाया गया क्योंकि जनता का जो समस्या है वो समस्या के लेकर हमने ऑफिस तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरा को धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन भली भांति जनता बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं कि मुखिया जी की छवि समाज में कैसा है और इस तरह की यहाँ पे जो बिरोल में जो बिजली पदाधिकारी कर्मचारी लोग हैं कितना यानी लूट खसोट के काम किए हैं कि गरीब लोग जो जाते हैं मीटर लेने के लिए तो उन्हें बोलते हैं मीटर नहीं है, लेकिन वही बिचौलिया के माध्यम से 2000-4000 रुपए लेकर यानी बिचौलिया के माध्यम से मीटर देते हैं और बेचते भी। ये क्या सच बात है? बिल्कुल सच बात है, यानी कि दुकान खुला हुआ है मीटर का, आप पैसा लेकर जाइए तुरंत मिलेगा और सभ्य लोग बन के जाइएगा, आप दौड़ते रहिएगा 6 महीना तक आपको नहीं मिलेगा। आप बिजली विभाग से पता कीजिए, बिजली आपूर्ति पदाधिकारी से कि आपको कितना अभी तक आवेदन मिला है मीटर के लिए और आप कितना को अभी तक आप दे चुके हैं। 50% को मीटर नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिया? मीटर है अवेलेबल उनके ऑफिस में, इसलिए नहीं दिए हैं कि वो पैसा नहीं दिए हैं। अगर पैसा वो देंगे
तो आप जो है उनको तुरंत मीटर मिलेगा। उनसे आप पता कर लीजिए कि आपके ऑफिस में कितना आवेदन आया हुआ है मीटर के लिए और कितना अभी तक आप बांट चुके हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है मीटर तो क्यों नहीं है वो भी आप पता कर सकते हैं। जी दोस्तों एक चीज कहना चाहेंगे कि इस तरह से मुखिया जी के ऊपर आरोप लगाया गया है, कहीं के ये आरोप है जो बिल्कुल सरासरी झूठ है, साजिश के तहत मुखिया जी के ऊपर आरोप लगाया है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचेगा और मुखिया जी के छवि के बारे में सभी लोग अच्छा तरीका से जानेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। इस बिजली कर्मचारी से संबंधित आपको क्या समस्या है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।